पर्यावरण को बचाने के लिए काशी में एक सुंदर पहल जिसे मैं दिखा रहा हूँ, यह है वातानुकूलित बस। इलेक्ट्रिक बसें हैं, नगर बस सेवा वातानुकूलित। हम इसके भीतर चलते हैं और यात्रा भी करेंगे। ये एक सुखद अनुभूति का कारक है जिसकी शुरुआत वाराणसी में हुई है। आइए मैं दिखाता हूँ भीतर। ये इसका पहला गेट है जिससे भीतर प्रवेश करेंगे। इधर चालक है, क्यों ड्राइवर साहब हैं आप? चलिए अब आते हैं, हम इनसे बात करते हैं। उसके पहले इधर दिखा देता हूँ, हमें लग रहा है स्वचालित तो नहीं है, ऐसे है गेट। अभी जो भी होगा मैं इसे दिखाऊंगा। नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश, नगर निगम वाराणसी का घर है, आप तरफ देख रहे हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है जिसे सजाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कल आए थे, आज भी अभी वाराणसी में हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सिंह द्वार है। इधर तमाम मेडिकल है और इधर सर्व सुंदरलाल चिकित्सालय। आइए इधर दिखा देते हैं, पहचान ही रहे होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। और इन्हें मैं पहचान नहीं रहा हूँ, आप इन्हें बताइएगा यह कौन है। और यह उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह है, मछली। और यह आइए भीतर चलते हैं। थोड़ा सा चलिए, हाँ अब देखिए भीतर में प्रवेश करता हूँ। ड्राइवर साहब इसके हैं, ड्राइवर साहब कब चलेंगे? बस एक मिनट में। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमानाथ। उमानाथ, वाह वाह, उमानाथ। उमानाथ मतलब भगवान शिव की नगरी है और यह उमानाथ जी हैं। इसके पहले कौन सी बस चलाते थे? मैं जेसीबी चलाता था। जेसीबी चलाते थे, वाह वाह, जेसीबी चलाते थे। जेसीबी पहले दिल्ली का बस चलाता था। अच्छा, तब तो आप अच्छे चालक हैं, बढ़िया है। तब हम जेसीबी पर हिल गए हैं कि जेसीबी वाला अगर बस चलाएगा तो क्या होगा। हाँ, उसके आगे तो कोई आएगा नहीं, जेसीबी वाले सब भगते हैं। बहुत बढ़िया, लाइसेंस लिए भी हैं? लिए है ना, बहुत बढ़िया, शुभकामना। तो मेरा आईडी नंबर है 005। हो गया, उमानाथ है तो सब कुछ है। तो देखिए इस बस में हम लोग हैं, कितनी सीटें हैं ड्राइवर साहब, याद है कुछ? 28 और दो दिव्यांग सीट है। दिव्यांग नाम रख दिया है ना प्रधानमंत्री जी ने, तो दिव्यांग, कोई बात नहीं। तो हम लोग भी अपनी सीट पर चलते हैं, और भी बस आ गई है। तो यहाँ कितनी बस है इस समय वाराणसी में चलती है? 23 बसों का संचालन शुरू हो गया है। अब ड्राइवर साहब चला रहे हैं, यह है इलेक्ट्रिक बस। यहाँ आग बुझाने के लिए भी है, एक सिलेंडर है छोटा सा। ड्राइवर साहब एक समस्या, जैसे जाम वाम में दिक्कत आती होगी, घुमाने उमाने में दिक्कत आती है क्या? जैसे कई जगह ऐसे हैं जहाँ ये आपको रोक रहे हैं क्या? ये क्यों नहीं लगे? दिखाई नहीं, तो आप क्यों नहीं लगे? अभी हॉर्न नहीं दिए हमको, सिग्नल नहीं मिला। सिग्नल नहीं मिला, आप सिग्नल आगे लगाएंगे फिर आप पीछे करके ले जाएंगे। फर्स्ट एड भी रखा गया है? अच्छा, इसमें है। और सांसद विधायक की सीट है तो इस पर सांसद विधायक तो कोई जाएगा नहीं, सवाल ही नहीं है कौन जाएगा। किसी बस में हमने नहीं देखा एक अच्छा उद्घाटन दिन आए थे, बहुत बढ़िया। उद्घाटन दिन कौन आए थे? प्रधानमंत्री नहीं आए थे, कोई मंत्री आए थे उद्घाटन के दिन, कोई मिनिस्टर आए थे। कहाँ चल रहा है? हमको भेलूपुर जाना है। जाएंगे ना, आइए स्वागत है। किधर से जाएंगे? अरे भेलूपुर पहुंचा देंगे, चाहे जिधर से भी जाएंगे। चलिए आराम से। यह दो सीटें हैं देख रहे हैं आप, तो यह दिव्यांग सीट है और इमरजेंसी भी है। यहाँ इमरजेंसी गेट है, कैसे होगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब बैठिए, कोई बात नहीं, और भी जगह है, बैठ सकती है। यह है परिचालक, क्यों
क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया। तो करंट तक का कितना है किराया? 20 रुपया। ऑटो का 25 रुपया है, इसका 20 रुपया है, और यह जो बस जाती है उसका 12 रुपया है। जो यहाँ उत्तर प्रदेश परिवहन की जो छोटी बसें हैं उसका 12 रुपया है। कैसा लग रहा है, पहली बार यात्रा कर रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, सुंदर लग रहा है। तो इसमें धूल उल नहीं आएगी, आराम से, और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। शुभ नाम, शुभ नाम आपका? बसंत सैनी। कहाँ से आए हैं सर? मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से। अच्छा, वाह, राजस्थान में कहाँ से? झुंझुनू जिला। यह देखिए वातानुकूलित गेट है, इसका अपने आप बंद हो गया और अभी यह गाड़ी चलेगी। हमारे कुछ और भी मित्र हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। एक मित्र हमें पहचान भी गए हैं, हमने कहा सर सेल्फी हो जाए, हमने कहा बाबू पूछ ही कौन है। चलिए आपके साथ भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर प्रियांशु। प्रियांशु, पढ़ाई करते हैं क्या? यस सर। पढ़ाई में क्या चलता है? सर बीए ऑनर्स। अच्छा, कहाँ से? बीएचयू। बहुत बढ़िया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। या तो हमें कब से देखते हैं आप? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। बहुत ज्यादा नहीं देखना है, कम देखना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक ना? एक आध वीडियो कभी देख लेना है, और जो मैं फालतू बोलता हूँ ना उसको ध्यान से निकाल देना है। अच्छी चीजें ध्यान रखना है, हमारा ही नहीं और लोगों का भी, बहुत चीजें फालतू हो जाती है। तो यहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन था, जैसे एक तो धूल फांकना, बहुत सी सड़कें, अभी हम दिखाते हैं मित्रों, जैसे लगता होगा लोगों को कि हमारा स्वभाव है खराब दिखाना है, तो अच्छा दिखा रहा हूँ, अच्छा होगा तो अच्छा दिखाऊंगा, और खराब होगा तो ब्रह्मा जी भी हमसे अच्छा नहीं दिखवाएंगे, चाहे जो हो जाए, सही को सही दिखाऊंगा। तो अब जैसे लूट मची है हॉस्पिटल में, तो हम कैसे अच्छा दिखाएंगे? डॉक्टरों की कमी है, उसको हम अच्छा कैसे दिखाएंगे? यहाँ दलालों का अड्डा है, उसको कैसे अच्छा दिखाएंगे? लेकिन अच्छा है तो अच्छा दिखाएंगे। शुरुआत अच्छी है। तो यह एक अच्छी पहल है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम से लगातार पर्यावरण हमारा पोल्यूशन कम होगा इससे। देखिए अब मजा आ रहा है, वाह, क्यों मजा आ रहा है ना? चलिए हमारे एक और मित्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, बनारस में टहली। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? कहाँ? टहली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम एक मित्र और हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। शुभ नाम आपका? सुरजीत। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? बिहार में। कहाँ? बिहार में। अच्छा, क्या यह नहीं लगता कि कैमूर में भी ऐसा हो? पटना में कुछ बसें चलती हैं, पटना में मैंने देखा है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जैसे हम लोग बुरा मानेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी अगर इस बार ही इसका लोकार्पण दिल्ली से कर देते, तो ऐसी बसें गाजीपुर, बनारस, प्रयागराज, एक बार अगर 10 करोड़ रुपया बचता तो उसमें अब बसें, यह कह करके कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर यह रैली बंद और दिल्ली से ही मैं इसको करूंगा। तो ऐसी बसें शहर शहर में, प्रयागराज में, कानपुर में अब है, चल रहा है। भैया अब ज्यादा बोलेंगे तो लोग गरी आएंगे। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो उनको रोकेगा कौन? वो तो आएंगे ही, लेकिन ये साहब डिजिटल इंडिया स्टार्टअप है, तो जनता को उनकी उनका जान मत मारिए, वहीं से कर दीजिए, हम लोग प्रणाम यहीं से करेंगे, हाथ जोड़ करके कहेंगे, सब जानेंगे साहब, कौन नहीं जानेगा। तो 20 रुपए किराया में शानदार यात्रा, क्या करते हैं आप? सर मैं चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट जम्मू में हूँ, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शुभकामना आपको। तो वहाँ तो ठंड बहुत होगी? ठंड है सर। अच्छा, अब तो अच्छा होगा वहाँ, जैसे एनवायरनमेंट तो अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, माहौल भी अब अच्छा हो गया होगा, कोई माहौल डर वर अब नहीं रह गया है, सब यह सब चीजें अच्छी हो गई है। तो एक बार आप बस को देखिए, यह बस हमारी जा रही है, और हम अब सीधे लंका से पहुंच करके आगे बढ़ते हुए, सड़कें इधर बनी है जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं, क्योंकि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री जी को जाना था। अब हमारी बस पहुंचेगी आगे, थोड़ा आगे बढ़ करके मैं दिखा देता हूँ। हाँ, रविंद्रपुरी आगे बढ़ते हैं। देखिए असी मैया है, गराहती हुई असी मैया को भी एक बार आप देख लीजिए, इस तरफ देखिए असी मैया, यही असी नदी है, इस पर पर्दा लगा दिया जाता है जब कोई वीआईपी आता है, तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, सब इसको नाला जानते हैं, लेकिन यह पवित्र नदी, पौराणिक नदी, भगवान विष्णु के बाएं अंगूठे से निकली हुई 52 तालाबों को स्पर्श करते हुए संकट मोचन के मंदिर से
गुजरते हुए नदी आती है और जाकर के गंगा में मिल जाती है असी मैया, मलमूत्र ढुलते हुए, ऐसी ही है इनकी स्थिति। तो आप यह देख रहे हैं रविंद्रपुरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यह बनारस जो इधर चमचमा रहा है काफी अच्छी सेहत में है। इधर रंग रोगन भी हुआ है, चुना गली भी हुई है। अब देखिए जहाँ जहाँ स्टॉपेज होगा वहीं वहीं रोकेंगे ना। कितने स्टॉपेज हैं ड्राइवर साहब? रविंद्रपुरी है, हाँ, विजय सिनेमा, अच्छा, उसके बाद रथ यात्रा, फिर सिगरा, मतलब पांच स्टॉपेज हैं। पांचों स्टॉपेज पर आप रुकेंगे, बीच में कहीं हाथ मारने पर नहीं रुकेंगे। चलिए, यहाँ प्रधानमंत्री जी का संसदीय कार्यालय था, अब वह कार्यालय यहाँ से समाप्त हो गया है। काफी जाम वाम लगता था और कार्यालय पर कोई पत्र रिसीव नहीं होता था। कई बार तो मैं भी गया और थोड़ी ऐसी की तैसी हुई। हमने कहा अन्य कार्यालयों में पत्र रिसीव करने की बात करोगे और तुम्हारे कार्यालय में एक मुहर नहीं है, पत्र रिसीव नहीं होगा, क्या मतलब है इसका? लेकिन भैया कहेगा कौन, लड़ेगा कौन? आवश्यकता इस बात की है कि पॉलीथीन पर बैन है। तो आप जहां भी जिन दुकानों पर जाएंगे, देखिए इधर भी एक होर्डिंग देख रहे हैं, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, ऐसी 5000 होर्डिंग लगी होंगी। यह सूचना विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने लगाया है। एक चौराहा है, देखिए यहाँ बस रुक रही है। आर आप और आगे आ जाइए, ड्राइवर साहब को दिक्कत देखने में। देखिए इधर भी आप देख रहे हैं कि ड्राइवर साहब यहीं से देख सकते हैं। नौ इसमें है, नौ कैमरे। यह भी एक है कि बस में भैया कोई दुर्घटना नहीं होगी, कैमरे लगे हुए हैं। और यह भी एक अच्छा है कि तकनीकी रूप से पूरी तौर पर इस बस को संतृप्त और आगे आ जाइए, आच्छादित किया गया साइड देखने में। अच्छा, साइड देखने में प्रॉब्लम होगा, बहुत बढ़िया, नहीं कोई बात नहीं, उपसंहार हो गया, बहुत बढ़िया, शुभकामना आप लोगों को। बस में बैठकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, तभी तो ऑटो ऑटो छोड़ के आया हूँ, थोड़ा पहले चला हूँ। ठीक है, तो ऐसी प्रवृत्ति अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण ने जीवन दुभर कर दिया है। सांस, बनारस जैसे शहर में सांस लेना मुश्किल हो गया है, खुद के सांस कैसे लें? ऐसे में काश शहर में छोटी छोटी, इससे भी छोटी बसें हों। और इससे क्या है, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है जी सर। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जौनपुर के। अच्छा, बहुत बढ़िया, जौनपुर में कहाँ के? जौनपुर किराकत एक क्षेत्र है। अच्छा, किराकत, तो इस समय तो मूली खूब मोटी मोटी हुई होगी जौनपुर में। अच्छा, और क्या मशहूर है जौनपुर में? जौनपुर में जो है और चीज है, मतलब घूमने के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा किला है वहाँ का। अच्छा, किला अच्छा है वहाँ। हाँ, भी और एक शाही पुल है, हाँ, अकबर के समय का, अभी भी चल रहा है ना। उस पर विंडो बने हुए हैं, अच्छे लगते हैं, वैसा विंडो कहीं नहीं है। तो क्या यह नहीं लगता कि उस तरह के पुल जितना मजबूत है शाही पुल बना था, जितना ओल्ड है उतना मजबूत आज भी है? तो इस तरह के हमारे इंजीनियर लोग ऐसे पुल बनाए, ऐसा लगता है ना, बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पुल 10-5 साल में ही टूट जाते हैं कभी कभी, उद्घाटन से पहले ही। ओल्ड इज गोल्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ से बीएचयू आए थे ना, दवा करने। अच्छा, दवा करने के लिए आए थे। तो क्या हुआ, कल आए थे आप? आज ही आया हूँ मॉर्निंग में, फिर अभी आया। अच्छा, दवा तो, मिल गई है। अच्छा, दवा मिल गई है, डॉक्टर मिल गए हैं? बहुत अच्छे से दवा मिल गई है। अच्छा, दवा अच्छे से मिल गई है, पहले दिखाने आए थे? नहीं, बहुत पहले से हम तारी दवा चल रही है। अच्छा, दवा चल रही है, 20 साल से दवा। तो नंबर लगाते हैं फिर डॉक्टर देखते हैं दवा? इजी हो गया पहले। अच्छा, पहले बहुत खराब था, पहले से बहुत इजी हो गया। अच्छा, पहले अच्छा 20 रुपया वाला कैसे लगाए थे आप नंबर? ऑनलाइन लगाए थे? अच्छा, आ करके लगाए। चलिए, यह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से दवा लेकर के आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, थोड़ी देर में भेलूपुर आएगा। और फिर दोस्तों, यह इलेक्ट्रिक बस जिस पर मैं आज यात्रा कर रहा हूँ, बहुत पहले हमने लखनऊ में भी यात्रा किया था और यात्रा करने के उपरांत हमने प्रदेश सरकार को बधाई दिया था। इधर सड़क बहुत खराब थी, पता नहीं 4-5 दिन में बन गई है कि नहीं। एक बार इधर दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ धूल धूसरित होते हुए जाते थे, हमें लग रहा है कि 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले इसको इधर इस तरफ
चलिए बन गई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुभकामना। बनारस में बहुत खराब सड़क थी और इसे ठीक कर दिया गया। हाँ नहीं अभी आएगा ना, अभी भेलूपुर में ही हम हैं। भेलूपुर तो वही था ना। अरे भेलूपुर अभी और भी आगे है बेटा, और आगे है वहाँ भेलूपुर, उसके बाद कमच्छा आएगा, तब आएगा सिगरा रथ यात्रा, तब आएगा सिगरा, सिगरा के बाद आएगा। देखिए इधर भी आप देख सकते हैं, अब यह है कि यह क्या आया है, पानी कल आया है। देखिए इधर भी है, चूंकि नया नया निर्माण अभी हुआ है तो इनकी पटरियों को भी, क्योंकि यह धूल जो आएगा सीधे सीधे आपके फेफड़े को संक्रमित करेगा।